तो आज हम सरवाइव करेंगे 100 डेज एज अ ड्राउंड, और ड्राउंड बन के मेरे पूरे 4 गोल होने वाले हैं। पहला गोल है मेरे को एक सुंदर सा अपने लिए घर बनाना है, और दूसरा गोल है मेरे को फुली नेदरराइट का आर्मर बनाना है इंचेंटेड के साथ, और तीसरा गोल है मेरे को अपने लिए एक ट्राइडेंट लेना है, और एंड में जाके मेरे को मारना है एंडर ड्रैगन को। क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज अ ड्राउंड, जाने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। डेवन को मैं स्पॉन हुआ और मैंने देखा मेरे सामने कुछ ड्रोनेड भाई हैं, और इनके पास एक भी पास ट्राइडेंट नहीं है, और मैं भी इनसे मार के ले भी नहीं सकता। और मैंने ये भी देखा मेरे चारों तरफ मछलियां ही मछलियां हैं, और यहाँ पे मूड मुझे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो क्यों ना जाके एक शिप ट्रैक को ढूंढा जाए। और थोड़ी देर में मेरे को एक शिप ट्रैक मिल जाता है। शिप ट्रैक के अंदर जाते ही मैं उसकी पहली चेस्ट ओपन करता हूँ, वर्ड्स में पहली चेस्ट थी। पहली चेस्ट ओपन करते ही मुझे उसमें कुछ आयरन मिलता है, और कुछ 5 एमरल्ड मिलते हैं, और कुछ लेपेलिजुली मिलते हैं, और उसमें एक प्रेजेंस का मैप मिलता है, और कुछ पेपर्स मिलते हैं, और उसमें 3 गोल्डन मिलते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी वुड काटी, उससे क्राफ्टिंग टेबल बनाई, और क्राफ्टिंग टेबल की मदद से बनाई मैंने एक पिकस, और मैं सीधा निकल गया माइनिंग के लिए। और यहाँ माइनिंग पे आते ही मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आयरन मिल जाता है, बट यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो माइन कर रहा था। और माइनिंग के साथ साथ मैंने थोड़ा कोल्ड स्टोन भी माइन किया ताकि मैं अपने लिए फंडस बना सकूँ आयरन को मेल्ट करने के लिए। उसके बाद मैं वापस सिर्फ ट्रक पे आ गया, यहाँ के मैंने थोड़ी बुट काटी, क्योंकि आयरन को मेल्ट करने के लिए मेरे पास कोल बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मेरे को बुट का सारा लेना पड़ेगा। उसके बाद मैंने एक फंडस बनाया, और फंडस को रखकर क्राफ्टिंग के पास में उसमें डाल दिया आयरन को मेल्ट होने के लिए, और थोड़ी देर में हमारा आयरन मेल्ट हो गया था। और उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग की मदद से एक हेलमेट बना लिया जिससे मैं धूप में जा सकूँ, और धूप में आया यहाँ पे रात हो चुकी थी। उसके बाद मैं उसी खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ जो मुझे मैप मिला था। उसके बाद मैं वहीं पर आ जाता हूँ, वहीं पर जाकर मैं खोने लगता हूँ। उसके बाद मैं चर्च खोलता हूँ जिसमें मुझे कुछ इतनी खास लूट नहीं मिलती है, और चर्च को लूटने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा एक केव में। केव में आती सबसे पहले मैंने कोल माइन किया, क्योंकि मेरे पास कोल बिल्कुल भी नहीं था जिससे मैं टॉर्चेस बना सकूँ और केव को एक्सप्लोर कर सकूँ। उसके बाद मैंने ढेर सारा कोल माइन करने के बाद ढेर सारी टॉर्चेस बनाई। उसके बाद मैं केव के अंदर आगे गया, यहाँ पर मेरे को ढेर सारा गोल्ड मिल गया, और मेरे को एक जॉम्बी मेरा दोस्त मिल गया। उसके बाद मैंने जॉम्बी को मारी गोली और सीधा गोल्ड माइन करने लगा। गोल्ड को माइन करने के बाद मैंने सीधा गोल्ड को मेल्ट होने के लिए रख दिया, और उसके बाद मैं फिर से निकल गया माइनिंग करने के लिए। यहाँ पर मेरे को ढेर सारा आयरन मिल जाता है, आयरन को मैंने ढेर सारा माइन किया पेल का। उसके बाद मैं थोड़ा और गया अंदर, यहाँ पे मुझे कुछ लेपेलिजुली मिल जाते हैं, लेपेलिजुली को मैंने पेल के माइन किया। उसके बाद मेरे को थोड़ी दूर पे थोड़े लेपेलिजुली और मिले, उनको भी मैंने पेल के माइन किया। उसके बाद मैं वापस अपने फर्नेस के पास आता हूँ, हमारा गोल्ड मेल्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने आयरन को मेल्ट होने के लिए रख दिया। और उसके बाद मैं नीचे थोड़ा माइनिंग करने के लिए चला जाता हूँ, बट मैं ये कहाँ पे आ गया था मुझे पता नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे स्केलेटन दिखता है, स्केलेटन को मारी गोली और सीधे जाके आयरन को माइन कर लिया, क्योंकि भाई आयरन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्केलेटन थोड़ी ना, स्केलेटन एक हड्डी देगा। उसके बाद मैं थोड़े के और नहीं जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक डायमंड दिख जाता है, एक डायमंड देखो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मैंने माइन किया। उसके बाद मेरे को 4 डायमंड और दिख जाते हैं, मेरी खुशी और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद मेरे को 2 डायमंड और दिख जाते हैं, भाई 7 डायमंड मिले टोटल, इतने डायमंड वाला कहाँ मिलते हैं एक केव में। उसके बाद मैं केव पे थोड़ा और अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मुझे एक क्रीपर, रेड स्टोन और एक स्पाइडर और थोड़ा आयरन दिखता है। मैंने जाके आयरन को माइन कर लिया, भाई आयरन को माइन करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे कुछ डायमंड बहुत ही ज़्यादा चमक रहे थे, यहाँ पे पूरे पूरे 3 डायमंड थे, उनको मैंने माइन किया। और उसके बाद मैंने देखा बाटर और लावा की बड़ी बुरी तरीके से लड़ाई हो जाती है, मैंने सोचा कि ना फायदा उठाया, बट यहाँ फायदा उठाने आया मेरे को, यहाँ पे 2 डायमंड मिल जाते हैं। 2 डायमंड माइन करने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल की मदद से अपने लिए एक डायमंड की पिकैक्स बनाई, क्योंकि मेरे को माइन करना था ऑब्सीडियन, और काफ़ी सारा ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मैं उसके से बाहर आया था। बाहर आते ही देखता हूँ यहाँ पे रात हो चुकी थी भाई, और कुछ हस्क दोस्त आए थे मेरे से मिलने, बट उनको मारी गोली और मैं सीधा आ गया प्लेजर आउटपोस्ट पे। और यहाँ देखा मैंने इन लोगों ने एक आयरन गोलम को बंद करके रखा है, बट मेरे को बहुत ज्यादा लगी थी। यहाँ पे मैंने 2 बॉडी गार्ड खड़े देखे, उनको मैंने जाके नंगा कर दिया, भाई हेबल मिल रहा था, 2 हेबल मिले। उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग में उनकी बीट बनाए, बीट से ब्रेड बनाए, और भाई वहीं खा के अपना पेट पूजा की। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पे आए तो चोरी जाए, बट यहाँ मेरी अच्छी खासी मुलाकात नहीं पहचान थी, पहचान उसके बाद यहाँ अच्छी खासी पहचान थी। मैं आ गया आराम से अपना आईडी कार्ड दिखा के, यहाँ पर चर्च खोली, यहाँ पे कुछ आलू, कुछ बोट और कुछ बोट और एक क्या है भाई एरो तीर जाने क्या क्या था, यहाँ पे बहुत कुछ था। यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना बुड माइन कर ली था, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने एक्स बना के बुड माइन कर ली, भाई डेजर्ट में घूम रहा था ना, इसलिए भाई मैं ड्रोन ढोके डेजर्ट में घूम रहा भाई, तो लो भाई पानी में रहने वाले को बंदे मैं कहाँ रेगिस्तान में घुमा रहा हूँ, भाई कितना अन्याय। उसके बाद मैं फिर से एक के मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर भाई लावा ही लावा चमक रहा था। उसके बाद मैं नीचे आके देखता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ लेपेलिजुरी दिखाई देते हैं, कुछ क्या 3 ही लेपेलिजुरी थे, नहीं 3 थे, 4 थे लेपेलिजुरी, उनको मैंने माइन कर लिया। उसके बाद मैंने देखा लावा के उस पर डायमंड थे, उनको भी मैं पहुँच गया माइनिंग करने के लिए, और मैंने 3 डायमंड को माइन कर लिया। उसके बाद मेरे को 2 डायमंड और दिखाई देते हैं, मैं अपना सस्ता सा ब्रिज बना के पहुंच जाता हूँ उनको भी माइन करने के लिए, और उन 2 डायमंड को माइन करने के बाद मेरे को थोड़े डायमंड और दिखाई देते हैं, उनको भी पहुंच जाता हूँ अपना सस्ता सा ब्रिज बनाते हुए। और यहाँ पर मुझे एक ही नहीं 2 2 3 डायमंड मिलते हैं, उनको भी जाके मैंने माइन कर लिया। और उसके बाद मेरे को थोड़े से डायमंड और दिखाई देते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, अगर मैंने इससे ज़्यादा माइन किया तो शायद बेडरॉक आ जाएगा। और यहाँ पे आते ही मैंने सारे के सारे डायमंड माइन कर लिए थे, और उसके बाद मैं खुले बुले बायो में आ गया था, भाई बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ पे आके मैंने फुल अच्छे से सांस ली, यहाँ पे एक दो सिप थी बट मैंने इसको नहीं मारा। उसके बाद मैं आ गया सीधे अपने ड्रोनेट भाइयों से मिलने के लिए, इनकी बड़ी याद आ रही थी, और ये मेरे को स्टोरी में टैग करके बोले थे भाई मिल ले आऊँ मिल ले आऊँ, तो भाई मैं इनसे मिलने आ गया, इनसे तो मिल लिया। उसके बाद मैं थियोर एक्सप्लोर करने लगा, भाई मैं पानी के अंदर तो मैं बिल्कुल घूमा ही नहीं था, और घूमते घूमते मैं एक अंडर वाटर रून पोर्टल के पास में आ जाता, और रून पोर्टल के पास में आते मैं सबसे पहले गोल्ड का ब्लॉक ढूंढने लगता हूँ, बट गोल्ड का ब्लॉक तो यहाँ पे नहीं मिलता है। और उसके बाद मैं सीधे चेस्ट खोलता हूँ,
और चेस्ट के अंदर मुझे एक गोल्डन इंचेंटेड पेंट मिलता है और एक गोल्डन इंचेंटेड एप्पल मिलता है और कुछ आयरन नेगेट्स मिलते हैं और कुछ मुझे बहुत सारे लाइटर्स मिलते हैं। उन सबको मैंने ले लिया और मेरे पास जो फालतू सामान था उनको मैंने उस चेस्ट में डाल दिया क्योंकि मेरे डब्बे में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और उसके बाद मैं चला गया पानी को थोड़ा और खकोड़ने के लिए क्योंकि मेरे को और भी लूट चाहिए थे, मेरे पास ज़्यादा लूट नहीं थी। उसके बाद मैं पानी को खकोड़ते खकोड़ते आ जाता हूँ एक किनारे पे और किनारे पे आते ही सबसे पहले मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल को रखता हूँ और दो चेस्ट बनाता हूँ क्योंकि मेरी इन्वेंट्री फुल थी। उसके बाद मैंने दो चेस्ट रखी और उसमें सारा का सारा अपना सामान डाल दिया और उसके बाद मैं चला गया थोड़े को शिप मारने के लिए। उसके बाद मैंने एक चिकन मारी, एक दो शिप मारी जिससे मैं अपने लिए बेड बना सकूँ, मेरे पास बेड बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद मैं जाके अपने जॉम्बी भाई से मिलने लगा, जॉम्बी ब्लेजर से। उसके बाद मैंने खाना खाया उस पर बैठ के, भाई बस इतनी थी दो ही दिन की दोस्ती। उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल मतलब से एक बेड बनाया, बेड को वहीं पर रखा, नहीं फर्नेस को वहाँ पर रखा, उसमें डाल दिया आयरन को मेल्ट होने के लिए। आयरन मेरे को कम मिल गया, मेरे को याद भी नहीं। और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि ना थोड़ी वुड काटी है, इसलिए मेरे पास एक सैपलिंग थी उसको मैंने गड़ा दिया और बोन मिल की मदद से उसको ग्रो कर दिया। और उसके बाद मैं काटने लगा था वुड, वुड काटेंगे एक बढ़िया सा अपने लिए घर भी बनाना था। घर मैं जमीन पर बनाऊंगा, मैं पानी में नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा खाना खाया और मैंने सोचा कि ना सो लिया जाए। उसके बाद मैं सो गया सीधे गुड नाइट गुड मॉर्निंग गैस पहुँच गई थी। उसके बाद मैं आ गया जंगल में थोड़ा पेड़ काटने के लिए क्योंकि गैस मेरे को अपने लिए घर बनाना था और गैस मेरे को घर बनाने के लिए मेरे को स्टोन भी पहुंच जाना चाहिए था, इसलिए मैं कोबल स्टोन को माइन करने लग गया। और गैस उसके बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल की मदद से घर में लगने वाली सामग्री बनाने लग गया क्योंकि गैस मेरे को घर अपने लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाना था। और गैस उसके बाद मैंने देखे कुछ स्केलेटन भाई जो कि स्केलेटन हॉर्स पर बैठ के आराम से राइड कर रहे थे, भाई इनके देख के मेरा भी राइड करने का मन लगा। बट गैस उसके बाद नेक्स्ट जगह होते ही मैं अपने लिए घर बनाने लगा था, मैं एकदम अपने लिए चौका सा घर बनाऊंगा। तो गाइस घर कैसा लगा? अगर गाइस घर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस अब मैंने सोचा क्यों ना नेदर में जाया जाए, थोड़ी पिगलिन भैया से ट्रेडिंग कर ली जाए। उसके बाद मैंने अपने घर की कुंडी लगाई और गाइस मैंने देखा थोड़े स्केलेटन और आ गए थे, भाई जैसी बिजली गिरती है स्केलेटन बढ़ जाते हैं, कोई नहीं स्केलेटन से मेरे को करना। उसके बाद मैंने निकल गया सीधे नेदर के लिए, नेदर में आते मेरे को नेदर के रेट दिखते हैं, इनको भी बाद में माइन करेंगे अपना लेवल 13 करने के लिए। उसके बाद मैं सीधा जाके गोल्ड नगेट्स को माइन करने लग गया, ये ढेर सारे माइन करते हैं और करते हैं पिगलिन से ट्रेडिंग, उसको लग गया मैं माइनिंग करने के लिए। उसके बाद मैंने ढेर सारे नगेट्स को माइन किया, उसके बाद मेरे को इंचेंटेड डेब्रिस मिल जाता है, भाई इसको भी मैंने इजिली माइन कर लिया। और काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं आ गया सीधा पिगलिन के पास पिगलिन से ट्रेडिंग करने के लिए, भाई 3 पिगलिन और 9 गोल्ड, भाई इतने से क्या होगा। और काफ़ी देर ट्रेडिंग चलने के बाद मैं आ गया सीधा फिर से गोल्ड माइनिंग करने के लिए क्योंकि मेरे को फिर से ट्रेडिंग करनी थी और मैं काफ़ी देर तक ट्रेडिंग करूँगा और साथ में मेरे को इंशेंट डेवरीज भी माइनिंग करने हैं। और मैं काफ़ी देर तक माइनिंग कर ही रहा था, मेरे को एक और इंशेंट डेवरीज मिल जाता, मैं उसको इजिली आके माइन कर लेता हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरे को एक ऑनचेन डब्रीज मिल जाता है, उसको भी जाके मैं माइन कर लेता हूँ। और थोड़ी देर बाद मेरे को थोड़े से गोल्ड और दिखाई देता है, मैं उसको भी जाके माइन कर लेता हूँ। और काफ़ी सारा गोल्ड माइन करने के बाद मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल की मदद से गोल्ड नगेट्स का गोल्ड इंगट बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को पिगलिन से फिर से ट्रेडिंग करनी थी। और उसके बाद मैं पहुँच गया पिगलिन के पास फिर से ट्रेडिंग करने के लिए, भाई यहाँ पे एक ही पिगलिन था, भाई और तेरे पिगलिन दोस्त कहाँ चले गए। इसके बाद मैं इसके पास जाके इसको इसकी मुँह मांगी कीमत दे दी और उससे करने लगा ट्रेडिंग। बट भाई ये नखरे ले रहा था, कह रहा था गोल्ड थोड़ा और दो, भाई क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर भाई, ये ले गोल्ड ले भाई, भाई गोल्ड ले भाई, एकदम प्योर गोल्ड है भाई, नहीं तो स्पाई ग्लास से देख ले। उसके बाद मैंने गोल्ड फेंक दिया, बट ये अभी भी नहीं ले रहा था, भाई क्या चाहता है, कितना गोल्ड चाहिए। उसके बाद मैंने फिर से उसको गोल्ड दिया और इसके बाद इसे मान गया था, आ गया था ना औकात। उसके बाद इसने ढेर सारी मेरे को चीज़ें दी 9 गोल्ड के मतलब। उसके बाद मैं नेदर क्यूरेट्स को माइन करने लग गया था क्योंकि भाई अपने लेवल 13 भी करना था। और गाइस उसके बाद मैं आ जाता हूँ सीधा नेदर फॉरेस्ट के पास। उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल रखी, एक डायमंड की तलवार बना ली क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को ब्लेजेस मारनी थी। उसके बाद मैं सीधा चले गया ब्लेजेस को मारने के लिए, भाई स्केलेटन वाले मेरे पक्के वाले दोस्त हैं, ये मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद मैंने अपनी पहली ब्लेज को मारा और इसने मेरे को पहली बार में कुछ दिया। उसके बाद मैंने दूसरी ब्लेज को मारी, इसने मेरे को कुछ दिया, हाथ दी, एक रॉड दी, भाई एक रॉड दी। उसके बाद मैंने एक एक करके ढेर सारी ब्लेजेस मारी। अब म्यूजिक के साथ मैं उसको एंजॉय करो।
और गाइस काफ़ी सारी विलेजेस को मारने के बाद मैं आ गया सीधे माइनिंग करने के लिए। गाइस अभी मेरे को एंशिएंट डेब्रिस बहुत सारे माइन करने थे और गाइस अभी अपना लेवल 13 नहीं हुआ था तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा माइनिंग करनी पड़ेगी और काफ़ी देर मैं माइनिंग कर ही रहा था। उसके बाद मेरे को एक और एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता है, उसको भी जाके मैं माइन कर लेता हूँ। और काफ़ी सारे एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने के बाद मैं फिर से नेदर क्रिएट्स को माइन करने लग गया था क्योंकि मेरे को अपना लेवल 13 करना था। और गाइस काफ़ी दिन नेदर में माइनिंग करने के बाद मैं सीधा आ गया अपने वर्ल्ड में। अपने वर्ल्ड में आते सबसे पहले मैंने अपनी चेस्ट खोली और मुझे नेदर से जितना सामान मिला था उसको सबका सब मैंने चेस्ट में डाल दिया। और गाइस ये कैसे रह गया, इसको मैंने अपनी जिम में रख लिया। और गाइस मैं चला गया सीधा सोने के लिए क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा होगी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह होते मैंने थोड़ा अपने लिए खाना इकट्ठा किया। गाइस मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं थे भाई, नेदर में लाले पड़े थे। और गाइस उसके बाद मैं केम में आता हूँ, केम में आते मैंने सीधे कोल माइन किया क्योंकि अपने पास कोल बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा बहुत वो सब खर्च हो गया। उसके बाद थोड़ा मैंने खाना खाया और गाइस खाना भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। गाइस मैं तो बहुत मैं जानता हूँ नेदर में मैंने कैसे सर्वाइव किया। और गाइस उसके बाद घर आती है मैंने अपने फर्नेस में अपने एंशिएंट डेब्रिस को मेल्ट होने के लिए रख दिया क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने अपनी क्राफ्टिंग में उसके गोल्डन एगेट का गोल्ड इंगेट बनाया। और गाइस उसके बाद मैंने ब्लेज रोड का ब्लेस पाउडर बनाया। और गाइस उसके बाद ब्लेस पाउडर का मैंने आई ऑफ एंडर बनाया, ये भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और गाइस उसके बाद मैं निकल गया सीधे डायमंड की माइनिंग करने के लिए क्योंकि गाइस अभी अपने पास नेदर का आर्मर का और डायमंड का आर्मर तक नहीं आया। तो उसके बाद मैं एक के मैं आ जाता हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसके बाद मैंने टॉर्च लगाया, यहाँ पे मुझे कुछ डायमंड्स मिल जाते हैं, इनको मैंने माइन कर लिया। और गाइस उसके बाद मेरे को थोड़ी दूर पे मेरे को दो डायमंड और मिल जाते हैं, इनको भी जाके मैंने माइन कर लिया। और गाइस उसके बाद मेरे को यहाँ पे लावा दिखता है और लावा की यार्ड में मेरे को थोड़े से डायमंड दिख जाते हैं, उनको भी जाके मैंने माइन कर लिया। और गाइस थोड़ी दूर पे मेरे को एक दो डायमंड और मिल जाते हैं, उनको भी जाके मैंने माइन कर लिया। और गाइस डायमंड माइन करने के बाद मेरे को थोड़ा सा सोना दिख जाता है, उसको भी जाके मैंने माइन कर लिया। और काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं सीधा अपने घर आ जाता हूँ, अपने फर्नेस में रख देता हूँ मैं सोने को मेल्ट होने के लिए। ये मेल्ट हो जाए फिर मेरे पास बहुत सारा हो जाएगा। और गाइस उसके बाद मैंने दूसरे फर्नेस में रख दिया अपने लिए खाना बनने के लिए, मैं कच्चा ही तेल से खाया जा रहा था। उसके बाद मैं चला गया सीधा सोने के लिए, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सुबह होते ही गाइस मैंने अपनी क्राफ्टिंग रूम से अपने लिए फुली डायमंड का आर्मर बनाया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि गाइस अपना गंदा सा ड्रोनेट अब थोड़ा अच्छा दिखेगा। उसके बाद मैंने डायमंड के आर्मर को भाई पहन लिया। और गाइस उसके बाद मैं कितना गंदा दिख रहा था, ऐसा लग रहा नाली में से निकल के आया हूँ, बट कोई बात नहीं। उसके बाद मैं फिर से निकल गया नेदर में माइनिंग करने के लिए क्योंकि अपने पास भाई सोना बहुत ज़्यादा कम है, भाई सोना बहुत महंगा है ये यार। उसके बाद मैं आ गया सीधे सोने माइन करने के लिए और मैंने काफ़ी सारा सोना माइन किया। उसके बाद मैं वापस अपने बर्ल्ड में आ जाता हूँ और बर्ल्ड में आते ही मैंने अपना सीधे खाना निकाला और खाने को खाया। बहुत ज़्यादा भूख लगी नेदर में आते ही, मेरे को कितनी ज़्यादा भूख लगा थी। उसके बाद मैंने ढेर सारा गोल्ड बना लिया और मेरे पास काफ़ी सारा गोल्ड आ गया था और अपना नेदर राइटिंग गेट भी बनके अपना रेडी था। और मैंने बहुत सारे नेदर राइटिंग गेट बना लिए थे, बहुत सारे क्या मैंने नौ गेट बना लिए थे। और गाइस उसके बाद मैं चला गया अपने अपग्रेडर गियर के पास। उसके बाद मैंने अपने पहली शॉट को अपग्रेड किया और गाइस उसके बाद मैंने एक एक करके अपने आर्मर को भी अपग्रेड कर लिया था। और गाइस मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं नेदर राइट का आर्मर पहनने जा रहा हूँ भाई फर्स्ट टाइम। और गाइस उसके बाद मैंने अपना नेदर राइट का आर्मर पहन लिया और पहनने के बाद मैं कुछ ऐसा लग रहा था यो भाई। उसके बाद मैंने आई ऑफ एंडर के स्ट्रॉन्ग होल्ड का पता लगाया गया क्योंकि गाइस अपने को वहाँ से बुक सेल चुरा के लाने थे ना, क्योंकि मेरे को इंचर्ट भी करना था। और गाइस उसके बाद मैं निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। और गाइस मैं वहीं पे पहुँच गया और पहुँचते मैंने ये मेरे को कहाँ पे कुदा दिया, सीधे मेरे को बुक्स के पास कुदा देते तो क्या जाता। उसके बाद मैं गाइस यहाँ पे जाता हूँ, मेरे को यहाँ पे पहली चेस्ट दिखती है। यहाँ पे पहली चेस्ट में मेरे को दो एप्पल और छह रेड स्टोन मिलते हैं, इनको जाके मैंने ले लिया। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद मेरे को लाइब्रेरी मिल जाती है और लाइब्रेरी में जाते ही मैं बुक्स को तोड़ने लगता हूँ क्योंकि गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी थी इंचेंट करने की। और गाइस काफ़ी देर तोड़ने के बाद मेरे को एक चेस्ट दिखती है और चेस्ट में क्या था भाई, बुक्स थे। हाँ ये दो बुक्स काफ़ी थी और उसके बाद मेरे को पेपर वेपर्स बहुत सारी चीज़ मिली। उसके बाद मैं लेके सीधा आ गया था अपने घर पर और घर पर ही आते मैं सीधा सो गया। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह होते ही मैंने एक एक करके क्या मैंने इंटरनल टेबल और काफ़ी सारे बुक सेल बनाए और बुक सेल को लेकर मैं पहुंच गया अपने ऊपर वाले कमरे में। यहाँ पे जाते मैंने सबसे पहले टॉर्च चोरी और गाइस उसके बाद एक के बाद मैंने एक बुक्स को सही से लाइन से रख दिया, इनको अपने जगह पे अच्छे से रख देते। उसके बाद मैंने इंटरनल टेबल को पास में रखा, पास में नहीं बीच में। और गाइस उसके बाद मैंने अपनी पहले शॉर्ट को इंचेंट किया भाई, देख लो इंचेंट। और गाइस उसके बाद मैंने अपने पूरे आर्मर को भी इंचेंट कर लिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। गाइस माइनक्राफ्ट में एक परफ्यूम और होनी चाहिए जो डाल लो अच्छी खुशबू आए। और गाइस उसके बाद मैंने अपने बुक को भी इंचेंट कर लिया जो मैंने स्केलेटन की हड्डियाँ तोड़ के लिया था। उसके बाद मैंने आर्मर को पहन लिया, आर्मर को पहनने के बाद तो अपन कुछ यो लग रहा था, एकदम ओपी लुक बढ़िया लग रहा था। और गाइस उसके बाद मैं वापस चला गया सीट को तोड़ने के लिए क्योंकि गाइस अपने को खेती भी करनी थी, खेती करेंगे उसके बाद थोड़ी डोनेट की धुनाई करेंगे। इनसे हमको ट्राइडेंट लेना है, ट्राइडेंट भी यही हमको चाहिए भाई, पता कैसे लगा हम डोनेट हैं। उसके बाद मैंने ढेर सारे डोनेट्स को मारा। और काफ़ी सारे डोनेट को मारने के बाद मैं अपने घर आ गया। क्राफ्टिंग की मदद से मैंने ब्लॉक ऑफ आयरन बनाया क्योंकि गैस अपने को एक एनविल बनाना था और मैंने यहाँ पे तीन ब्लॉक ऑफ आयरन बना लिए थे। और गैस के मैंने एक एनविल बना लिया, एनविल को मैंने अपने बेड के पास रख दिया। और गैस उसके बाद मैंने एक एक करके ट्राइडेंट को
अपग्रेड कर लिया था भाई, फुल्ली हेल्थ दो, फुल्ली हेल्थ मिल गई थी। उसके बाद मैंने अपने इंचेंट रूम पे जाके उसको भी इंचेंट कर लिया था गाइस, थोड़ा अच्छा लग रहा था गाइस। उसके बाद मैंने इंचेंट करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सो लिया जाए, हाँ सो लेते हैं, फिर हंड्रेड डेगन की सुताई। और सोने के बाद मैंने अपनी खेती करनी स्टार्ट कर दी थी भाई, खेती करने को रही गई थी, हाँ हाँ मैंने खेती की भी नहीं। उसके बाद मेरी खेती रेडी थी, उसके बाद मैं आ गया था भाई एंड पोर्टल के पास, क्योंकि अपने को सुताई करनी थी। उसके बाद मैंने सिल्वर फिश का स्पॉनर तोड़ा भाई, मेरे को कुछ नहीं कर रही थी फिर भी मैंने उसका तोड़ दिया। उसके बाद मैंने आया फंड लगा के इसको एक्टिवेट कर दिया और मैं सीधा निकल गया अंडर ड्रेन की सुताई करने के लिए। तो गाइस जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार कर दो यार, अंडर ड्रेन की सुताई करने वाले हम लोग। तो कैमरे लगा दी इसमें जंप और उसके बाद मैं एक एंड पैरल फेंक के अंडर ड्रेन के पास में आ गया। और गाइस उसके बाद मैं अपने बोस से एंड क्रिस्टल को फोड़ने लगा था, पर मेरे को पता चलता भाई ड्रोनेट को तो बोस चलाना नहीं आता। और गाइस उसके बाद मेरे को इस पर चढ़ के खूब फोड़ना पड़ेगा भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और गाइस उसके बाद मैंने एक एक करके एंड क्रिस्टल को फोड़ दिया भाई, तो अंडरटेकन रुक जितनी मेरे से मेहनत कराएगा उतनी बुरा फूटेगा। और गाइस उसके बाद मैंने अपना भैया गोल्डन चैनल वाला एप्पल खाया और धनाधन अंडरटेकन की सुताई करनी कर दी थी स्टार्ट। तो आ जा भाई, ओके इसकी सुताई कर दी हमने स्टार्ट। तो थोड़ी देर इसकी सुताई करेंगे, फिर हमको ये ढेर सारी एक्सपी देगा और थोड़ी देर में इसके प्राण निकाल लिए हमने भाई। ओके अब मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ मज़ा आता है देखने में, वो इसकी लाइटिंग, ये देखो और मौज करो भाई। चल भाई एचपी देते भाई, कितनी रोशनी करते हैं भाई, इतनी तो भाई एवरेडी की टॉर्च भी नहीं करता। और गाइस उसके बाद मैं आ गया अपने घर। तो गाइस ऐसे हमने सर्वाइव किया 100 डेज माइनक्राफ्ट इन हार्ड मोड एज आई ड्रोन इट। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।